स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरु जी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ पंप CABG के बारे में। ऑफ पंप CABG, अब यहाँ पे CABG क्या है अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसका फुल फॉर्म आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो ये जो है प्रोसीजर है जिसे आसान भाषा में ओपन हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑफ पंप क्या है आज मैं आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक आपने मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दबाओ बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आता हूँ। आज है ट्यूजडे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ पम्प CABG, ऑफ पम्प कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऑफ पंप क्या है, CABG क्या है नॉर्मल, और इसमें डिफरेंस क्या है। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज CABG। CABG क्या है दोस्तों? ये CABG जो प्रोसीजर है उससे आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें हार्ट लंग की मशीन की मदद से पेशेंट की जो ब्लॉक वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उसे ग्राफ्ट किया जाता है। अब ये मैं सिंपल एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ये मान लीजिए हार्ट है और यहां से हार्ट में ब्लड का सप्लाई आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है, यहाँ पे एक जगह से नहीं लेकिन काफी मल्टीपल प्लेसेस से ब्लड आता है वहां पे। लेकिन मैं सिंपल एग्जाम्पल की यहाँ पे आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहाँ पे जो 100% ब्लड जा रहा था वो कम होके 30% या 40% हो जाएगा, और उस केस में हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे क्योंकि हार्ट में ब्लड नहीं होगा। तो अब अगर ये एंजियोप्लास्टी से नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर मान लीजिए एंजियोप्लास्टी के से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तब ये ऑप्शन ओपन होता है। और वहां पे क्या किया जाता है, ये जो यहाँ पे ब्लॉकेज है इसे ग्राफ्ट कर दिया जाता है यहाँ से लेके सीधा हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड का सप्लाई भी स्टार्ट हो जाता है, राइट, एंड जो पेशेंट है वो नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये नॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ती है। ये जो नॉर्मल प्रोसीजर आप देख रहे हो उसमें ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मशीन का नाम है हार्ट लंग मशीन। दोस्तों ये जो मशीन है उसका नाम है हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग लंग। लंग का काम क्या होता है? ऑक्सीजन देना। तो ये दोनों काम जो है जब पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है तो ये मशीन करता है। तो नॉर्मल CABG में इसकी हेल्प ली जाती है, लेकिन ये जो ऑफ पंप CABG है उसमें ये मशीन यूज नहीं होता है। ऑफकोर्स यहाँ पे ये मशीन नहीं, इन द सेंस यहाँ पे इसकी जगह पे कोई भी और मशीन यूज नहीं होता है। ये नई मेथड है, मुझे नहीं पता है कि इंडिया में कब तक ये अप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मेथड हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सर्जरी की तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा जो इनिशियल का होता है ये तो ये पूरा सेटअप करने में ही चला जाता है, जहाँ पे ब्लड का पूरा सप्लाई हार्ट में बंद किया जाता है, उसे यहाँ पे लाया जाता है, सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट किया जाता है। तो वो टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, प्लस ये जो आप सब देख रहे हो, ये कंज्यूमेबल आप जो देख रहे हो यहाँ पे, मैं जो डॉट डॉट्स कर रहा हूँ वो सारे के सारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो एक ही बार पेशेंट में यूज हो गए और फिर पूरी किट नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी डेफिनेटली ये प्रोसीजर होने वाली है, प्लस थोड़ी प्रोसीजर इजी भी हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं ऑफ पंप CABG के बारे में। दोस्तों ऑफ पंप CABG आप सभी को पता है, इस तरह का जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये पंप करता रहता है। तो क्या होगा कि ये रेस्ट कंडीशन में है, जब वो पंप करेगा तो उसकी कंडीशन यहां तक चली जाएगी, वो इन्फ्लेट हो जाएगा, फिर डिफ्लेट होगा, इन्फ्लेट होगा, डिफ्लेट होगा, तो मैक्सिमम यहां तक उसकी सरफेस जा सकती है। तो उसके सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज है वो भी फ्लक्चुएट करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें कि जब ये हार्ट यहाँ पे ऑफ पंप का ये मतलब होगा कि जब हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट
पंपिंग कर रहा है उसी टाइम पे ये जो मैंने आपको समझाया था ग्राफ्टिंग वाला वो चीज करनी है, ये तब करनी है जब हार्ट पंप कर रहा है। नॉर्मल में तो क्या होता था कि हार्ट उस टाइम पे रिलैक्स कंडीशन में चला जाता था क्योंकि पूरा जो ब्लड था वो मशीन में बाईपास हो जाता था, लेकिन अब यहां पे क्या होगा कि ये अपना काम कर रहा है, ये तो वर्किंग ही है। अब उस केस में साथ साथ करना है ग्राफ्टिंग, इन द सेंस यहाँ पे जो भी मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई ब्लड का जा रहा है तो पहले यहाँ पे जॉइंट देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे ग्राफ्ट करना पड़ेगा, और ये जो है वो शायद से पैर में से ले सकते हैं ये वेन या जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेग से कलेक्ट करते हैं, हाथ से भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है डॉक्टर पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेग से लेते हैं जो वेन या लेनी पड़ती है जिसे ग्राफ्ट करना है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेग से लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो करना है वो तब करना है जब हार्ट पंप कर रहा है। अब यहाँ पे डिफिकल्टीज क्या आती है कि ये कंटिन्यूसली पंपिंग करेगा तो ये क्या होगा, इन्फ्लेट होगा और फिर से डिफ्लेट होगा, फिर से इन्फ्लेट होगा, फिर से डिफ्लेट होगा, फिर से इन्फ्लेट होगा, फिर से डिफ्लेट होगा, राइट। तो ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए एक स्टेबिलाइजर मशीन का यूज किया जाता है। यहाँ पे हार्ट का ब्लड कहीं भेजा नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये ह्यूमन हार्ट है, इस तरह का एक स्टेबिलाइजर मशीन होता है जो मेडिट्रॉनिक्स कंपनी में अवेलेबल है। तो ये हार्ट इसके अंदर फिक्स कह सकते हो, उस तरह से फिक्स कर दिया जाता है ताकि वाइब्रेशन से वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और डॉक्टर को जो ग्राफ्टिंग करना है वो बहुत इजीली कर पाएगी। तो ये एक नई मेथड है जिसे कहा जाता है ऑफ पंप CABG। अगर आपको भी ये मेथड के बारे में आज पता चला है, आपने भी कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिए ताकि लोगों को नई मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। तो अगर कभी उन्हें लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उनके पास ऑप्शंस जो है वो उन्हें पहले से ही पता हो। अगर आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी थी उससे क्या अच्छी है या बुरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर अभी तक मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दबा के आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड सैटरडे ऐसे ही वीडियोस के साथ आऊँ। जल्दी से एक फ्रेश कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।